ओके सर। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, अब मैं स्टडी पॉइंट से मंजर हसन, आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली जामिया में जो एंट्रेंस में BLLB में जो सिलेबस है, जो पैटर्न आता है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो बच्चे चाहते हैं कि जामिया एंट्रेंस में लॉ में एडमिशन लेना है, तो बेसिकली होता ये है कि उनको पता ही नहीं होता है कि प्रिपरेशन करना कैसे, पढ़ना क्या, हमें हमारा एरियाज क्या है, सिलेबस क्या है। नाउ वी डिस्कस, सबसे इंपॉर्टेंट एरिया देखा जाए इसमें तो लीगल लैंग्वेजेस के ऊपर आता है। लीगल लैंग्वेजेस इंग्लिश है, जो कि कवर करता है 30 क्वेश्चंस, है ना। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट इज करंट अफेयर्स एंड लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग, जनरल स्टडीज, एलिमेंट्री मैथ्स। बेसिकली बच्चे जो है वो ज़्यादा कवर, जो परेशानी होती है उनको कवर करने में, वो होता है जनरल स्टडीज, लीगल एप्टीट्यूड एंड करंट अफेयर्स। लीगल लैंग्वेज बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज होता है जो किसी केस स्टडी पे बेस होता है ना। वो आपका लीगल जो अंदर लीगल एप्टीट्यूड है, जो आप लीगल पॉलिसीज कैसे आप डिसीजन मेकिंग ले सकते हो लीगल पॉलिसियों को, उसको दिखाता है ना। तो ये कुछ प्रैक्टिस से आपका आएगा, बट आपको पढ़ना कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि पेपर जो आएगा वो आपका 150 क्वेश्चंस होंगे। पेपर में क्वेश्चंस 150 होंगे, टाइम है आपके पास 2 आवर्स, मीन्स 120 मिनट्स। आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्ले रोल करता है। कट ऑफ स्कोर देखेंगे तो अगर बेसिकली अगर आपका स्कोर 95+, मीन्स अगर 100 स्कोर आप कर लेते तो आप सेफ साइड में है ना। बट करेंगे कैसे इसको हम, आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें जो बच्चे कन्फ्यूज हो रहे हैं कि सर करंट अफेयर्स हम कहाँ से पढ़े, जो करंट अफेयर्स आपको देखना है वो बेसिकली आपको 6 मंथ लेकर चलना है। फॉर एग्जाम्पल 2018 का आपको तैयार करना है करंट अफेयर्स जुलाई से, और मार्च 15 तक आपका करंट अफेयर्स होना चाहिए। अब करंट अफेयर्स में क्या पढ़ेंगे, ये प्रॉब्लम है। करंट अफेयर्स में आप सबसे बेसिकली आपको देखना है जितने भी अवार्ड्स है, नोबेल प्राइज, मैन बुकर प्राइज, जितने भी अवार्ड्स है जो लिटरेचर से रिलेटेड है वो देखना है आपको। प्लस स्पोर्ट्स को देखना है, स्पोर्ट्स में क्वेश्चन जो आने लगा है आजकल, स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स में कितने अवार्ड मिले, और बेसिकली इस साल कौन कौन से गेम हुए, एशियन गेम हुआ रिसेंटली इंडोनेशिया में, कौन कौन से फीफा वर्ल्ड कप हुआ, कौन जीता, जितने भी गेम्स है उसको आप देख लो अच्छे से। उसके बाद बुक एंड ऑथर्स देख लो कि इस बार जो बेसिकली कौन कौन से राइटर, कौन कौन से बुक लिखे और अवार्डेड मिला, उनको अवार्ड मिला, और इंडियन में है, अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है तो आपको बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है बुक एंड ऑथर्स, अवार्ड्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज द लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग। अब बच्चों को पता नहीं होता है सर लीगल एप्टीट्यूड क्या है, लीगल रीजनिंग क्या है, ये कैसा रीजनिंग होता है। बेसिकली ये रीजनिंग आपका लीगल जो केसेस होता है उसके ऊपर होता है। कुछ स्टेटमेंट्स होगा, लीगल स्टेटमेंट केसेस होगा, लीगल कुछ प्रिंसिपल केसेस होगा, उसको आपको डिसीजन मेकिंग में चेंज करना है कि कैसे उस पर इफेक्टिव डिसीजन ले सकेंगे। आपको कोई स्टेटमेंट दे रखा होगा लीगल केसेस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अभी क्वेश्चन आया हुआ था जामिया में कि एक दुबई में एक आदमी का एक हाउस था, उसको गवर्नमेंट ने, दुबई की गवर्नमेंट ने तोड़ दिया। अब वो अपील कहाँ करेगा, फर्स्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, सेकेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में, थर्ड वो अपील करेगा कहीं नहीं, है ना, फोर्थ वो अपील करेगा इंडियन कोर्ट में और सऊदी गवर्नमेंट में, एक्सेट्रा। बेसिकली देखा जाए डिसीजन मेकिंग ये है कि वो कहीं अपील नहीं कर सकता, है वो इंडियन, गवर्नमेंट ऑफ सऊदी ने उसके दुकान को तोड़ दिया, उसका वहां का लीगल काम करता है, इंडिया में लॉ काम नहीं करता। आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं जा सकते क्योंकि वो दो देशों के बीच में डिस्प्यूट को सॉल्व करता है। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपका कब बनेगा, जब आप केस स्टडीज करेंगे, जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इस तरह के क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। नेक्स्ट आइए, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस आप नॉर्मल वर्बल रीजनिंग भी ले सकते हैं, क्वेश्चन कभी पूछता है कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सायलोजिज्म, है ना, सिटी मैनेजमेंट, ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जनरल स्टडीज में सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है और सबसे इंपॉर्टेंट एरिया वेटेड है, 40 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम दैट साइड, और यही एरिया जो है इंपॉर्टेंट सिलेक्शन कराता है, और यही जो एरिया है आपको स्ट्रॉन्ग करना है।
लेकिन इसको पढ़ने के लिए क्या करना है, अब इसे पढ़ने के लिए आपको कुछ पिलर्स बनाने हैं। अब देखिए जनरल स्टडीज कैसे प्रिपरेशन करना है, यानी कि लॉ वाले बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, उनका पॉलिटी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसमें आप पहले चार पिलर्स बनाइए जीएस को तैयार करने के लिए। इसके लिए आप फोर पिलर्स तैयार करिए। पहला पिलर सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा वो आपका इंडियन पॉलिटी होगा। बहुत से कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, है ना। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप इंडियन पॉलिटी को सबसे इंपॉर्टेंट कवर करना है, और इसमें कौन कौन से एरिया आपको पढ़ना है जो पेपर में बार 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 पूछता है। फॉर एग्जाम्पल पहला आपको देखना है ए फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसमें आपको जो देखना है बहुत इंपॉर्टेंट देखना है फंडामेंटल राइट्स, याद रखिए फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चंस आते ही आते, 4 to 5 क्वेश्चंस विल आस्क फ्रॉम दैट साइड, चाहे वो अलीगढ़ हो लॉ एंट्रेंस, चाहे वो जामिया एंट्रेंस हो, चाहे वो क्लैट हो या इंडिया कोई भी एग्जाम हो, फंडामेंटल राइट जो है सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज है, है ना। इसमें जो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 है वो आपके टिप्स पे होना चाहिए, उंगलियों पे होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आपको इसमें देखना है सिटीजनशिप, नेक्स्ट आपको देखना है इसमें पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, लॉ वाले बच्चों के लिए पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि देश हमारा इंडिया का जो पार्लियामेंट सिस्टम है बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, यहाँ दो सदन होते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा। एंड देन इंपॉर्टेंट इज कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड AGI अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगर इस एरियाज को आप कवर कर लेंगे तो याद रखिएगा 40 क्वेश्चंस में से आपका मैक्सिमम 25 क्वेश्चन आपका यहां से कवर हो जाएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। और लॉ के स्टूडेंट से ये मतलब माना भी जाता है कि उनका पॉलिटिकल चीजें सही होना चाहिए, कि उनको लॉ पे काम करना है, उनकी जो बेसिक राइट्स हैं जिसकी बेसिकली उनको ही पता होना चाहिए। और जनरल अवेयरनेस का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है इंडियन पॉलिटी। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स जो काफी क्वेश्चन पूछता है, इसमें सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पिलर्स है वो आपका इंडियन जियोग्राफी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स जो है आपका थर्ड इंडियन हिस्ट्री। अब देखिए लॉ में जो क्वेश्चंस पूछता है हर एग्जाम में, क्लैट में या जामिया में या अलीगढ़ में जो पेपर आता है, वो पेपर बेसिकली एंशियंट और मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन पूछता है, है ना। मिडिवल इंडिया से क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं होता है, जो आप इसको इग्नोर कर देना है, मिडिवल इंडिया क्वेश्चंस पढ़ना ही नहीं है। आप इसमें एंशियंट और मॉडर्न 1707 से लेकर 1947 के बीच में जितने इवेंट्स हैं वो आपको याद रखना है, डेथ ऑफ औरंगजेब से लेके इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट तक। इस पर जितना भी गांधी एरा है, जितना भी सत्याग्रह हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट है, पटिशन ऑफ बंगाल से बहुत क्वेश्चन पूछता है, मुस्लिम लीग से क्वेश्चन होता ही होता है जामिया एंट्रेंस में, उसके बाद आपका दांडी मार्च है, साल्ट सत्याग्रह है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, साइमन कमीशन, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, जितने भी इंपॉर्टेंट एरिया टॉपिक है आप कवर करोगे इंशाल्लाह, यहाँ से आपका हिस्ट्री से सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फोर जो पिलर बनाएंगे आप, वो जो पिलर्स होगा वो इंडियन इकोनॉमिक से होगा। अब इंडियन इकोनॉमिक बच्चे कहते हैं सर कौन सा इकोनॉमिक पढ़ना है, वो जो स्कूल में होता है, नहीं वो नेशनल इनकम और वो नहीं पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमिक में आपको देखना है करंट फोकस करते हुए बजट सिस्टम ऑफ इंडिया, जीएसटी, है ना,
गवर्नमेंट का जीएसटी से क्या पॉलिसी है, गवर्नमेंट के नए नए क्या क्या स्कीमें हैं, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे क्या इंटरेस्ट देखता है, ये चीज़ों को कवर करना है आपको इंडियन इकोनॉमिक्स है। तो जैसे ये चार पिलर्स आप पांच पिलर्स बनाएंगे, आपका जीके स्ट्रांग हो जाएगा और हर एग्जाम क्रैक वही कर पाता है जो जीके को पकड़ लेता है, क्योंकि बदर क्वेश्चंस भी आपसे बन जाता है बट जीके अगर आपका सही है तो आपका वो स्कोर को काफ़ी ऊपर ले जाता है। चार पिलर्स बनने के बाद एक और पिलर्स आप बनाएंगे, इस पिलर्स को बोलते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको करंट में देखना है किस ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग कब हुआ, इसके चेयरमैन कौन बने रिसेंटली, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसके कितने मेंबर्स हैं, कितने मेंबर्स आए और कितने मेंबर्स गए, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या देखना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल UNO यूनाइटेड नेशंस, G20, G8, WTO, IMF, कॉमनवेल्थ, सार्क, IMF हो गया, सार्क, ओपेक एक्सेट्रा, ऐसे आपको 22 ऐसे 22 ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है जो आपको करना है इनका रिसेंटली बिल्कुल करंट को देखना है, इनमें ट्रेडिशनली करंट को, इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, इसके अभी चीफ कौन बने, अभी रिसेंटली इसकी मीटिंग कहाँ पर हुई, अभी इसके कितने मेंबर्स थे एक्सेट्रा, है ना, ये आपको बेसिकली देखना। तो जैसे ही आपका पांचवा पिलर्स कंप्लीट होगा आप बिल्कुल बन जाएंगे स्ट्रांग पार्ट जो आपका कवर करेगा जनरल स्टडीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, चाहे वो क्लैट का एग्जाम हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे जामिया हो एक्सेट्रा। अब एलिमेंट्री मैथ से देखते हैं, एलिमेंट्री मैथ से बेसिकली कोई क्वेश्चन होता है वो मैथमेटिकल क्वेश्चन होता है, न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन होता है, और इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्लास 10th लेवल स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं जो आप बेसिकली आप करते हो। जैसे कुछ पेपर्स हमारे पास है, जामिया एंट्रेंस का जो पेपर आता है, याद रखिए, देखिए 2016 में, 17 में, 18 में पेपर आया, तो 2016 का जो क्वेश्चन था उस समय 100 क्वेश्चन ही थे, बट पैटर्न चेंज हो गया, आप 2017, 2018 में आपको क्वेश्चन 150 कर दिया उन्होंने, है ना। जैसे कुछ क्वेश्चंस भी हमारे पास 2018 के क्वेश्चंस हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर देता हूँ, कुछ कैसे क्वेश्चंस आते हैं जामिया में, देखिए मैंने आपको जीएससी कुछ क्वेश्चंस में डिस्कस करता हूँ। जैसे देखिए ज्योग्राफी से क्वेश्चंस हैं, येलो रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, विच स्टेट इज नोन एज द स्पाइस गार्डन, है ना, कालाहारी डेजर्ट्स कहाँ पर है, ये क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी से क्वेश्चंस हैं, है ना। जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं कि RBI से क्वेश्चन है कि रिपो रेट क्या होता है, है ना, एट द रेट विच द RBI ट्रांसफर मनी टू कॉमर्शियल बैंक, ऐसे क्वेश्चन है। हु इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया, ये मॉडर्न इंडिया क्वेश्चन है, है ना। उसके बाद UN, हु हैज बीन अपॉइंटेड द परमानेंट मेंबर ऑफ UN, ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन है, UN से क्वेश्चन आ गया। द प्रेजिडेंट कैन मूव द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और द इलेक्शन चीफ ऑफ कमिश्नर ऑफ इंडिया, याद रखिए पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, पॉलिटी आपको हर हाल में बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा अगर आप लॉ के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे पॉलिटिक्स डाल दिया, जैसे कि विच फंडामेंटल राइट्स नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हर एग्जाम में पूछता है, है ना, आर्टिकल 32 जो है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी कहते हैं, इफ एनीबडी कैन मूव वॉलेटर फंडामेंटल राइट्स यू कैन डायरेक्ट मूव टू सुप्रीम कोर्ट, ये आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स का, ये क्वेश्चंस अक्सर पेपर में आपको